please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. बिहार के सुपौल में कुछ पुलिस वाले हाथों में जूते लेकर पुलिस लाइन में ड्यूटी पर जाने लगे। वहां करीब एक महीने से पुलिस लाइन में भारी बारिश का पानी जमा हुआ है, जिसके नी में सांप भी रेंगते हैं, जिससे उन्हें जान का खतरा बना रहता है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में एक सरकारी कार्यक्रम में पहुंचे राज्य के सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री लाल सिंह आर्य की गाड़ी पर कुछ सरकारी कर्मचारियों ने काला झंडा फेंक दिया। प्रदर्शन कर रहे इन लोगों ने एससी एसटी एक्ट में मोदी सरकार की तरफ से किए गए संशोधन पर विरोध जताया, जिसके बाद मंत्री लाल सिंह आर्य के साथ मौजूद उनके सुरक्षा कर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई, जिस पर वहां मौजूद पुलिस ने लाल सिंह आर्य के साथ अस्पताल के अंदर जाने का रास्ता बनाया, लेकिन उनके अस्पताल में दाखिल होते ही एक शख्स जमीन पर लेट गया, जिसकी वजह से मंत्री लाल सिंह आर्य लड़खड़ा गए। ये पहली बार नहीं है कि लाल सिंह आर्य बारिश का पानी भरने से कई इलाकों में जाम के हालात पैदा हो गए हैं। चंडीगढ़ में पिछले 72 घंटों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से चंडीगढ़ अंबाला नेशनल हाईवे के जरीकपुर के पास बारिश का पानी भर गया है। इस वजह से वहां जाम लग गया और लोगों को गाड़ियां निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। चंडीगढ़ और पंजाब में लगातार हो रही बारिश ने आम लोगों की मुश्किल यहाँ से निकलता है, लेकिन ये जो भारी बारिश हुई है उसकी वजह से जो जल भराव है काफ़ी परेशानी लोगों को हो रही है। हालांकि कोशिश की जा रही है जल भराव जो है उसको निकालने की, जो गटर हैं उनको खोल दिया गया है ताकि जो बरसात का पानी है वो जल्द से जल्द यहां से निकल सके, लेकिन इसके बावजूद जो लगातार भारी बारिश हो रही है उससे स्थानीय प्रशासन के लिए परेशानी बढ़ गई है और आम लोगों को। अमृतसर में भारी बारिश में सड़क धंस गई, जिससे लोगों को निकलने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अमृतसर में ये सड़क मॉल रोड पर भारी बारिश के बाद धंस गई। लोगों का आरोप है कि सड़क बनाने में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से सड़क धंस गई। पंजाब के कई इलाकों में पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। हिमाचल प्रदेश डेढ़च नदी पर बने पुल पर लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। यहां के पुल के ऊपर से करीब 1 फुट पानी बह रहा है, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर आज फिर इजाफा कर दिया है। दामों में वृद्धि दर्ज की गई है। मैं इस वक्त पेट्रोल पंप पे हूँ दादर के, यहाँ पे आपको दाम दिखाना चाहूंगा। आज का जो दाम है 90 रुपए 14 पैसे, कल ये जो पेट्रोल का दाम था 90 रुपए 3 पैसे था। डीजल का जो दाम है आज का 78 रुपए 64 पैसे, कल जो दाम था ये 78 रुपए 58 पैसे था। यानी जो डीजल का दाम है जिस तरह की वृद्धि दर्ज की जा रही है, आने वाले दिनों में अगर ये दाम 100 रुपए को भी छूते हैं तो आश्चर्य वाली बात नहीं होगी, क्योंकि सरकार ने पहले ही हाथ खड़ा कर दिया है कि हमारे हाथ में पेट्रोल की कीमतें नहीं हैं। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी तब डीजल पेट्रोल की कीमतों को लेकर फैसला लिया जाएगा, लेकिन जब ये मीटिंग होगी फैसला लिया जाएगा तब तक ये शायद दाम जिस तरह से बढ़ रहा है। पुलिस ने नेटवर्क से जुड़े 8 और लोगों को गिरफ्तार किया है। हिज्ब मॉड्यूल के तहत काम करने वाले लोगों को हथियार मुहैया कराने वाले आर्म्स डिटेल अभिनियों को भी गिरफ्तार किया गया है। मुंबई के गिरगांव चौपाटी पर कुछ बच्चे बीएमसी कर्मचारियों के साथ मिलकर सफाई करने में जुट गए। गिरगांव चौपाटी पर स्कूल के बच्चे यहां पर आए हुए हैं और साफ सफाई अभियान यहां पर चलाया जा रहा है। स्कूली बच्चों के अलावा इस सफाई अभियान में कॉलेज के छात्र भी शामिल हुए और सबने वहां बिखरे कचरे को हटाने में मदद की। इतना कचरा हमने किया है तो साफ भी हम ही करेंगे, कुछ सुबह उठना पड़े कचरे में हाथ डालना पड़े कोई दिक्कत नहीं। इस दौरान सफाई अभियान का जायजा लेने के लिए शिवसेना सांसद राहुल के साथ मुख्यमंत्री पवन चामलिंग और केंद्रीय उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु भी मौजूद रहे। पाक्योंग एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही भारत में एयरपोर्ट की संख्या 100 हो गयी। उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री ने दावा किया कि बीजेपी सरकार के दौरान देश के कई इलाकों में हवाई जहाज और रेल कनेक्टिविटी पहली बार पहुंची। इंजीनियरों की तारीफ करते हुए जानकारी दी कि एक हफ्ते के भीतर कोलकाता से गुवाहाटी की सीधी उड़ान शुरू कर दी जाएगी। ने एक बार फिर राफेल डील को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अरुण जेटली को बात समझ में नहीं आती है। राहुल ने हमला करते हुए कहा कि अरुण जेटली सच्चाई की बात करते हैं तो उन्हें जेपीसी की जांच करा लेनी चाहिए। तो अरुण जेटली सच्चाई की बात अगर करते हैं तो उन्हें आखिर बता ही देना चाहिए तमाम तथ्यों को। फ्रांस का एक्स राष्ट्रपति हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को चोर कह रही है। हॉलैंड जी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी चोर हैं और नरेंद्र मोदी जी को सफाई देनी है कि फ्रांस का एक्स राष्ट्रपति उनको चोर क्यों कह रहा है। उसमें मेरा क्या लेना देना है।